ग्वालियर शहर में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर पुलिस अधीक्षक ने शहीद पुलिस जवानों की याद में रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ 31 अक्टूबर तक शहर के किसी न किसी चौराहे पर खड़ा किया जाएगा, ताकि शहरवासी यह जान सकें कि उनकी सुरक्षा में कितने ही पुलिस जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाई है। गौरतलब है कि 21 अक्टूबर का दिन पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को खास तौर पर मनाने के लिए शहीद पुलिस कर्मियों के फोटो से सजा हुआ एक रथ तैयार किया गया है। इस रथ को पुलिस अधीक्षक अमित सांगी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर शहीद पुलिस कर्मियों के परिवारजन भी मौजूद रहे। अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस या पुलिस जिसको हम बोलते हैं फ्लैग डे रहता है। पुलिस स्मृति दिवस में देश की आंतरिक सुरक्षा में लगे पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों जिसमें सीआरपीएफ बीएसएफ आदि शामिल हैं, जो देश की आंतरिक सुरक्षा में अपना योगदान देते हैं, उसमें आंतरिक सुरक्षा के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों के बारे में वे विशेषकर शहीद जो कि ग्वालियर जिला पुलिस के हैं, एक रथ तैयार किया गया है जिसमें उनके फोटोग्राफ्स हैं और घटना का संक्षिप्त विवरण है। ये शहर के विभिन्न चौराहों में और विभिन्न मार्गों में भ्रमण करेगा, जिससे कि लोग इसके इन शहीदों के बारे में जान पाए।